नमस्कार फ्रेंड्स, आज देखिए मैं ये बची हुई दाल से खस्ता कचौड़ी बना रही हूँ। ये मेरी कल की दाल बच गई थी, इसमें हरा धनिया, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, जितना भी ज़रूरत है नमक, और थोड़ा सा इसमें मोइन भी डलेगा तभी ये अच्छी बनेगी बस। और अब ये गुनगुने पानी से मार लूँगी। ये आटा देखिए मेरा मड़ के तैयार हो गया। अब वैसे तो मैंने पूरी के हिसाब से मारा है, लेकिन आप पराठे भी बना सकते हैं उसे। आप पराठे का ये या कचौड़ी या पूरी जैसे भी मर्जी बना लीजिए और खा लीजिए। ये रूखी भी खा सकते हैं आप, चाय के साथ, किसी सब्जी के संग, अचार के संग, जैसे मर्जी खाइए। बची हुई दाल का ये यूज़ सबसे अच्छा लगता है मुझे। भाई आज दाल बनानी है तो फ्रेश बना लीजिए, कल की दाल ऐसे यूज़ कर लीजिए। आप भी बनाकर देखिए। थोड़ी गैस कम करनी पड़ेगी, गैस तेज है थोड़ी सी। गैस यदि कम कर देते हैं तो एक्शन कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है गैस पर, ये कढ़ाई खाली ना रहे, नहीं तो एक पलटती हूँ तो दूसरी उतनी देर में बिल जाती है। काफ़ी खस्ता बनती है, थोड़ा सा मोइन डाल दीजिए तो बिल्कुल भी आप चाय के साथ मक्खी की तरह भी खा सकते हैं इसको। पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, अब आप जिस मर्जी के संग खाइए। आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो आप भी बना के देखिए। लेफ्ट ओवर कोई सी भी दाल आपकी बची हुई हो, बस यह है कि साबुत दालें नहीं अच्छी लगती हैं आटे के संग। बाकी तो आप पीली दालें कोई सी भी हो, थोड़ा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जितना भी आपको नमक मिर्च तेज रखना हो उतना तेज रख के आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ अंदर डालनी है, लेकिन बची हुई दाल से बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौड़ी बनती है। बनाकर देखिए, खाइए और खिलाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।